निजी स्कूलों और किताब दुकानों की मनमानी से अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत पर विभाग की ओर से कोई पहल नहीं होने से किताब दुकानों की मनमानी स्तर चढ़कर बोलने लगी है। नतीजा, चिन्हित स्कूलों के लिए बेच रहे किताब दुकानदार कुछ भी रियायत अभिभावकों को नहीं कर रहे हैं और मनमानी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी NCERT किताब की जगह अलग अलग पब्लिशर की किताब लेने पर अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। किताब दुकानदारों की इतनी मोटी कमाई हो रही है कि वे लोग अलग अलग ब्रांच भी खोल दे रहे हैं और तय समय के बाद फिर उसे बंद भी कर देते हैं, जो पूरी तरह से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इसके नियम से संबंधित जानकारी साझा करते हुए श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि दुकानों का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके तहत काम करने वाले कर्मियों को न्यूनतम वेतन भी देना है। नियमों का उल्लंघन कर रहे सभी दुकानों की औचक जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं दुकान में प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसे दुकान या प्रतिष्ठान जिसके यहाँ 10 या 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है, जिससे कि उनके हम लोग ये जानकारी रख सके कि उन सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। उन प्रतिष्ठानों में मजदूरों के हितों से संबंधित सारे जो बही है, खाते हैं, पंजियाँ हैं, वो सब उनको संरक्षित करके रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है। अच्छा, ये हर एक प्रतिष्ठान को दुकान को लेना मैंडेटरी है अगर उनको सुचारू रूप से कार्य करना है, नहीं तो इसके बाद अगर उनके वायलेशन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कुछ ऐसे शिकायतें आ रही हैं कि निजी विद्यालयों द्वारा किताब की बिक्री हो रही है, कुछ कुछ स्पेशल किताब दुकानदारों के द्वारा। तो जो किताब दुकान है वो एक समय निर्धारित समय के लिए खोलते हैं और उसके बाद जब किताबों की बिक्री हो जाती है तो फिर अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देते हैं। तो वैसे स्थिति में उसके इम्प्लाई का क्या होगा, उसमें क्या रूल होना चाहिए, उसमें किस प्रकार नहीं? अगर कोई ऐसे प्रतिष्ठान, जो भी प्रतिष्ठान खोलते हैं, उनको प्रतिष्ठान खोलने के 15 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अच्छा, तो इसलिए वो टेम्पररी या परमानेंट का सवाल नहीं है, यहाँ उनको रजिस्ट्रेशन करा कर दुकान को वो अपना संचालन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठानों को या दुकानों को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और उनके यहाँ जो भी कार्यरत मजदूर होंगे उनको न्यूनतम मजदूरी सरकार का है उतना या उससे ज्यादा जो भी उनको सुटेबल लगे वो उनको प्रदान करना है। तो ऐसे जो दुकानदार हैं जो निर्धारित समय सीमा के लिए दुकान केवल खोलते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, वैसे ही वो दुकानदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई होने? हम लोग उसको जाकर जांच करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से संचालित हो रहे हैं और अगर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई शिकायत आपको पहले आया है क्या? किताब की दुकान से संबंधित तो नहीं आया है जी। लेकिन अभी चूंकि आज हमें जो एक दो शिकायत प्राप्त हुई है तो मैं इस पे कल जाकर मैं इस पे उचित जांच करकर इस पे समुचित कार्रवाई करूंगा। बता दें कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत केवल तय समय सीमा के लिए दुकानें नहीं खोली जा सकती है, दुकानों को एक नियम और कानून के तहत चलाने होंगे। साथ ही काम कर रहे सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन भी देने होंगे, जबकि कुछ किताब दुकानदार केवल तय समय सीमा के लिए ही दुकान खोलते हैं और चिन्हित निजी स्कूलों के लिए किताबों की बिक्री के बाद दुकान को बंद कर देते हैं। ऐसे में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। अब जिस तरह से श्रम अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है, वैसे में किस तरह से जांच होकर कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा।